पासपोर्ट है और इंशाल्लाह उम्मीद नहीं जी, हम वैसे के बाहर पहुंचे हैं और लाइनें लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद का नाम सुनते ही सबसे पहले तो लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि हम एम्बेसी में जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम लोग US एम्बेसी जा रहे हैं। सुबह 8 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है। जिस तरह सबको पता है कि जी भाग दौड़ लगी हुई है, पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं लोग बाहर के मुल्कों में, इसी तरह हमने भी एक रिस्क लिया है छोटा सा, जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब देखेंगे सुबह क्या बनता है। ये हमारे जी 4 पासपोर्ट हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीज़ा लग जाएगा। बाकी इंशाल्लाह सूरत हाल आपको बताएंगे। एम्बेसी पहुंच के वक्त हम लोग लाहौर से निकले हैं और इस्लामाबाद की जानिब। बाकी इंशाल्लाह सुबह आपको बताएंगे क्या सूरत हाल है, एम्बेसी की वीज़ा रेशो क्या चल रही है इस वक्त, USA की भी और एक दो और कंट्रीज़ की भी देखेंगे इंशाल्लाह क्या सूरत हाल है। सिचुएशन तो इस वक्त जो चल रही है, जो नेट पे सर्च किया और लोगों से जो पता चला है जी, वीज़ा रेशो तो US की है तकरीबन 0% चल रही है। बाकी गुड लक है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है, क्योंकि जो करोड़ों की भी जिसकी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट है वो भी रिजेक्ट कर देते हैं US से, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है वीज़ा दें या ना दें। बाकी ट्राई तो पूरी है इंशाल्लाह। बाकी आपको मैसेज पूछेंगे, सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट है। नहीं जी, अब हम पहुंच गए हैं जी बेरा क्या मुताम सर्विस सेंटर, जो कि सबसे बड़ा और शानदार किस्म का और ग्रेट लुक देने वाला सर्विस एरिया है इनका। जी हम इधर अभी रुकने लगे हैं, स्टे करेंगे इधर से भी थोड़ी सी, ज़रा मंचिंग करेंगे, तो मंचिंग के बाद हम हिलेरी लेंगे इंशाल्लाह आगे की तरफ, तो आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। इधर हार्डी बन गया हुआ है वो मुनाल, वाह क्या बात है जी, मोटर में भी अब मुनाल आ गया, क्या बात है। इधर जी KFC सिंपल सूगी खाना शाना खाएंगे, मंचिंग करेंगे। सफर तो माशाल्लाह बड़ा शानदार है, लेकिन शानदार तब तक है जब तक वीजा अप्रूव नहीं हो जाता आगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी इस्लामाबाद टोल प्लाजा, माशाल्लाह जी। Few moments later, जी फाइनली बी ब्लॉक आर्मी मेस में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत रूम है, फिर इनका लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है। नहीं जी, बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आप लोगों को सुबह मिल जाएगी। अब हमारा टाइम हो गया सोने का, क्योंकि काफ़ी सफ़र किया है और थक चुके हैं काफ़ी, इतनी खैर 3-4 घंटे का सफ़र किया और थक चुके हैं, रास्ते में स्टे भी करते आए हैं, बड़ा सफ़र भी अच्छा रहा। और ले जी AC लगा हुआ है, चिल माहौल है, पूरा चिल माहौल, खट्टे चोल मीठे चोल जो भी कह लें, खैर बड़ा शानदार किस्म का बाहर का व्यू दिखाऊँगा अभी आपको। तो चूँकि मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं है बाहर से पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह लेने की, बाकी फिर भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं सुबह ब्रेक के बाद। नहीं जी, हमारी मॉर्निंग हो गई है, अब हम लोग निकल रहे हैं एम्बेसी की तरफ। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, एम्बेसी की तरफ निकल पड़े हैं हम लोग। ले जी, ये था हमारा गेस्ट रूम, जिसकी नहीं जी, हम वैसे के बाहर पहुंचे हैं और लाइनें लगी हैं। ये तो
पहले से ही रश लगा हुआ है यहाँ पे, गाड़ियों की कतारें लगी हैं। 8 बजे का टाइम है वैसे, और यहाँ पे तो अन्नी मची हुई है भाई। वो चेक पोस्ट है छोटी सी, गाड़ियाँ चेक हो रही हैं। तकरीबन हर एम्बेसी का बंदा होगा जिसने बाहर जाना है, यूरोप जाना है या यूके जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, हर बंदा होगा। देखेंगे अभी, देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है बाहर। A few moments later, ये भी लोग अपने अपने रिलेटिव्स का, फिर अपने भाई का, तो बहन का, तो वालिद का वेट कर रहे हैं जी। एम्बेसी में गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे।